गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास में हमारा जो टॉपिक रनिंग है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, वो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुम के बारे में जाना कि हु का यूज कब करते हैं और हुम का कब करते हैं। उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम यूज करेंगे हुज का और उनके कुछ एक्सरसाइज हु और हुज की सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हुज। डियर स्टूडेंट, हुज का यूज भी ठीक वैसे ही होता है जैसे हमने यूज किया था किसका, हु का और हुम का। हुज का यूज कोई पर्सन के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो यूज किया जाएगा वो पोजीशन के लिए किया जाएगा, संबंध बताने के लिए किया जाएगा, अधिकार बताने के लिए हुज का यूज करते हैं। ठीक है, कि हुज का यूज पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, संबंध बताने के लिए हम यूज करते हैं वो हुज का यूज करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है कि हुज से पहले पर्सन मिलेगा आपको, हुज से पहले क्या आएगा हमारा पर्सन आएगा, फिर हुज आएगा और उसके बाद में कोई नाउन आएगी, क्या आएगी नाउन, फिर वर्ब आएगी। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है कि पर्सन, हुज, नाउन और वर्ब। अर्थात हुज का प्रयोग पहले वाक्य में उस व्यक्ति के बाद किया जाता है जिसका रिलेशन संबंध दूसरे वाक्य से किससे हो, पजेसिव वर्ड से हो, अधिकार बताने वाले शब्दों से हो, उसका हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। क्लियर, कि हुज का यूज पहले वाक्य में, रिपीट करता हूँ कि हुज का यूज पहले वाक्य में उस व्यक्ति के बाद किया जाता है जिसका संबंध दूसरे व्यक्ति के अधिकार बताने वाले शब्दों से होगा। अब दूसरे व्यक्ति के अधिकार बताने वाले जो पजेसिव वर्ड चाहिए वो क्या हो सकते हैं, माई, आवर, योर, हिम, हर, देयर, ये वर्ड चाहिए। ठीक है, माई, आवर, योर, हिम, हर, देयर, ऐसे जो शब्द होंगे पजेसिव जो रिलेशन बताते हैं इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर, इनको हटा देंगे, इनकी जगह पर यूज करेंगे इसका हुज का। इनका रिलेशन किसको होना चाहिए, पहले वाक्य के सब्जेक्ट से होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि देव के गोपाल, हम कह रहे हैं कि वे कौन है, गोपाल, दिस इज गोपाल, कह रहे हैं वे फादर, दिस इज गोपाल, हे फादर इज ए, हिज फादर इज ए डॉक्टर। क्लियर, कि दिस इज गोपाल, हिज फादर इज ए डॉक्टर, ये गोपाल है और इसके जो फादर है पिताजी वो कौन है, डॉक्टर है। तो ये गोपाल का रिलेशन किससे हैं, हिज किसके लिए आया है, हिज फादर किसके लिए आया है, गोपाल के लिए आया है। तो ये जो पजेसिव वर्ड है हिज, हर, अवर, योर, इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, इसके स्थान पर हुज लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, फिर सेंटेंस बन जाएगा कि दिस इज, दिस इज गोपाल हुज फादर, हुज फादर इज ए क्या, क्लियर। तो ये है हुज का यूज। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि हुज कोई पर्सन के लिए किया जाता है, ठीक है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग संबंध बताने वाले, अधिकार बताने वाले शब्दों के लिए किया जाता है, संबंध और अधिकार बताने वाले मतलब पजेसिव वर्ड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। पजेसिव वर्ड्स का मान ये है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक, इनके लिए इसका यूज किया जाता है पहले वाक्य में। अर्थात इसका प्रयोग पहले वाक्य में उस पर्सन के बाद करेंगे, ठीक है, जिसका रिलेशन दूसरे वाक्य के अधिकार बताने वाले शब्दों से होगा। अब दूसरे वाक्य में जो अधिकार बताने वाले शब्द हैं वो आपको ये मिल सकते हैं, माई मिले, अवर मिले, योर मिले, हिज मिले, हर मिले, सियर मिले। क्लियर,
इसको आपको हटाना है और इसकी जगह आपको यूज करना है। किसको यूज करना है? हुज का यूज करना है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर चेक करने का तरीका भी आप देख सकते हो कि हुज आ रहा है, उससे पहले आपको क्या मिल रहा है? पर्सन मिल रहा है, क्लियर। हुज के आगे आपको क्या मिलेगी? नाउन मिलेगी, नाउन आ रही है फादर, ठीक। और फिर क्या मिलेगी आपको? वर्ब मिलेगी। तो ये आप चेक कर सकते हो हमारा सेंटेंस सही बनाया गलत। ये आपको हुज से पहले पर्सन मिलेगा, ठीक, फिर आपको क्या मिलेगी? नाउन मिलेगी और फिर क्या मिलेगी? वर्ब मिलेगी, क्लियर। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई नो दिस लेडी, दिस मैन जो भी है, हर पर्स इज स्कॉलर, क्लियर। कि आई नो दिस लेडी, आई नो, मैं जानता हूं इस लेडी, औरत को जानता हूं। हर पर्स इज स्कॉलर, किसका पर्स क्या हो गया? चोरी हो गया। हर पर्स इज स्टॉलन, किसका पर्स चोरी हो गया। और इस प्रकार से दोनों सेंटेंसेस को हमें किससे जोड़ना है? उससे कंबाइन करना है, स्टूडेंट हुज से करना है, क्लियर। कि आई नो दिस लेडी, आई नो दिस मैन जो भी है, हर पर्स इज स्टॉलर, क्लियर। अब इसका जो संपर्क हो किससे? पर्स से। तो ये जो रिलेशन बताया बताया हर, इसे हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो सेंटेंस जाएगा कि आई नो दिस लेडी हुज, आई नो दिस लेडी हुज पर्स इज स्टॉक, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे क्या बनेंगे? सेंटेंस बनेंगे हुज से। हम इस प्रकार से दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आई नो ही वॉज हिज मदर इज अ टीचर, इज अ टीचर सेंटेंस है। आई नो ही वॉज हिज मदर इज अ टीचर, और इसको हम जोड़ेंगे किससे? जोड़ेंगे हुज से, क्लियर। आई नो ही वॉज हिज मदर इज ए टीचर। अब इसको हुज से जोड़ना बताया कि हुज का प्रयोग पहले वैक्ट में उस व्यक्ति की बात करते हैं। पहला वैक्ट ये है, इसमें व्यक्ति ये है, उससे बात करेंगे। इसका रिलेशन दूसरे वैक्ट के पजेसिव वर्ड से होना चाहिए, संबंध बताने वाले शब्दों से होना चाहिए। दूसरे वैक्ट में संबंध बताने वाले शब्द कौन से हैं? हिज है, तो इसको हटा देंगे, हुज कर दो, सेंटेंस मिल जाएगा हमारा कि आई, बहुत इजी है, आपको नंबर एग्जाम में आसानी से मिलेंगे इसके। आई नो, केवल आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आई नो दी वर्ड दिस हुज मदर इज अ टीचर, क्लियर। ये हुआ, तो ये हुआ हमारा हुज का। आई होप कि आपके हुज का यूज समझ में आया होगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको हु, हुम और हुज के बारे में बता दिया, ठीक। ये हमने इसकी एक सिंगल टाइप पढ़ी है, एक और टाइप होती है, ठीक है, जिसमें आपको बीच में हुज को कंबाइन करना है। मैं बताऊँ, वो भी इजी है, यही पैटर्न एक प्रकार से, ठीक। अब हमारा दैट विच वैन, ये बच्चे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसका दूसरा टाइप मैं आपको कल बताऊँगा।